विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सभी पार्टियां तैयारी में जुट गई हैं। तो वहीं राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल ने भी आज प्रतापगढ़ के बेंती भवन से रामलला का दर्शन करने के लिए अयोध्या रवाना हुई। आपको बता दें कि राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल अयोध्या में रामलला के दर्शन के बाद पूरे प्रदेश में जनसेवा संकल्प यात्रा निकालेगी, जिसका नेतृत्व खुद राजा भैया करेंगे। नवंबर 18 में जब पार्टी का गठन हुआ तो जो अपार जनसमर्थन लखनऊ पहुंच के उत्साहवर्धन किया, उसके बाद ही ये कार्यक्रम लगने थे। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में, प्रदेश में, पूरे विश्व में कोविड महामारी का प्रकोप आया, एक नहीं दो चरणों में, और पूरे विश्व को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। अब लॉकडाउन खुला है, क्योंकि उस समय न तो सभाएं हो सकती थी, न जनसंपर्क किया जा सकता था, न भेंट मुलाकात हो सकती थी। तो पार्टी की नीतियों, सिद्धांतों को लेकर के हम लोग निकले हैं अयोध्या में। श्री राम लला के दर्शन, उनका आशीर्वाद लेकर के आगे की यात्राएं शुरू की जाएंगी। प्रदेश के हर जनपद में ये कार्यक्रम लगते रहे। महाराज, आपकी यात्रा से किसका समीकरण बिगड़ने वाला है? अरे हम क्यों बनावे बिगाड़े थोड़ो निकरा है, हम चलते ही दर्शन करके आशीर्वाद लेबे रामलला सरकार के, ओकरे बाद फिर जनसंपर्क करो। कई पुराने साथी आपके साथ आ रहे हैं, सुनने में आ रहा है जो आपके पुराने साथी थे वो भी इस काफिले में आगे आपके साथ रहेंगे, क्या है आपके किसके तरफ इशारा? हम वाकई नहीं समझ रहे हैं, लेकिन सबका स्वागत है। हम समझ नहीं रहे हैं आप किसको कह रहे हैं। आपकी इस यात्रा से कहीं ना कहीं विपक्षियों की नींद आराम हो गई, नींद उड़ गई है, कई लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं, इस पर कुछ कहना है आपका? देखिए, प्रतापगढ़ में जन्म ली हुई ये पार्टी है जनसत्ता, और इस पार्टी का जितना विस्तार होगा, जितना फैलाव होगा, हर एक प्रतापगढ़ के निवासी के लिए ये गर्व और प्रसन्नता की बात है। तो अपने घर में स्नेह मिले, सहयोग मिले, आशीर्वाद मिले, ये तो हमारे लिए सुख की बात है और स्वाभाविक बात है। और यहाँ से ऊर्जा बटोर करके अब हम लोग पूरे प्रदेश में अन्य जनपदों में जा रहे हैं। रामलला के दर्शन करने के बाद किस तरीके से आपकी यात्रा पूरे प्रदेश में चलने वाली है? अलग अलग जिलों में, अलग अलग मंडलों में, चरणों में।